हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, एक इंडिया के बहुत प्यारे से एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है नेट। यस, और ये है यूजीसी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से एजुकेशनल वीडियो को। आज मैं बताऊंगी किस तरह से हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे सो दैट कि हमारा जो पेपर वन है, जो कॉमन होता है सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पेपर वन के अंदर नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं और इसके जो 10 यूनिट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड पेपर टू जो होता है नेट एग्जाम का वो होता है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए यूजीसी नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मार्क्स क्या रहेंगे। सबसे पहले पेपर वन जो कि कॉमन होता है सबके लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे 2 मार्क्स के। जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे है 100 मार्क्स का है। और जो आपका पेपर वन है, एटलीस्ट अगर आप इसको पास करेंगे तभी आपका पेपर टू जो है वो पास एक तरह से चेक होगा उसको पास करने के बाद ही। एंड पेपर टू जो है, देखिए इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हैं या एमबीए से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से, कॉमर्स, अलग अलग, इसमें 80+ अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मास्टर डिग्री होने के बाद यहाँ पे ये जो है 200 मार्क्स का होगा, और ये भी हर एक जो आपका आंसर है वो 2 मार्क्स का होगा। और सबसे स्पेशल यहाँ पे है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करके आइए। एंड टोटल क्वेश्चंस हम देखते हैं 150 क्वेश्चंस है, एंड मार्क्स की बात करते हैं तो 350। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि यूजीसी पेपर वन में जो 10 यूनिट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं, जो अलग अलग हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो यूनिट वन इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, एंड एप्टीट्यूड का मतलब होता है Ability to do something, तो यानी यहाँ पे एक योग्यता हो जाती है, शिक्षण योग्यता। जो हम टीचिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन से मॉडल्स जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जो हम नॉर्मल याद करवाते हैं, लाइक टेबल्स जो होते हैं हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को याद करवा देते हैं उनकी मेमोरी में। एंड देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के अंदर हो जाता है जहाँ पे हम उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट कुछ सिखाते हैं एंड कुछ एग्जाम्पल्स देके, सो दैट कि वो उनको लॉन्ग टर्म उनकी मेमोरी में वो चीजें याद रहे। एंड रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव के अंदर उनको जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है, लाइक मैथ्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री होती है, मींस एक अप्लाइड फॉर्म में जब वो चीजों को एक तरह से यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड देन उसी तरह से है यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलिसेंट जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एकेडमिक, इमोशनल, सोशल, और फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे टीचिंग से रिलेटेड जो है। सपोर्ट मटेरियल क्या है, लाइक अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्या क्या हमें चाहिए। अलग अलग यहाँ पे जो ऑनलाइन मेथड्स होते हैं उनको भी यूज किया गया है, लाइक स्वयंवर, स्वयंप्रभा, MOOC है, और इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे देखिए आईसीटी जो है कि जैसे हमने देखा था कि पैंडेमिक के कारण जो एक तरह से वर्चुअली क्लासेस लग रही थी, तो मेनली ये हो जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड।
तो यानी आईसीटी किस तरह से यूज हो रहा है यहाँ पे, ओके। देन यूनिट टू के अंदर है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च यानी शोध से रिलेटेड, अनुसंधान जहाँ पे हो जाता है, इसका मेन यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है रिसर्च को लेके वो कैसा है, वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, उनको भी हम डे टू डे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये मेनली यहाँ पे हम पीएचडी की डिग्री को भी प्रोसीड करते, तो उसमें भी जो रिसर्च जो रहता है बहुत बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इसमें थीसिस हो गई, आर्टिकल राइटिंग हो गई, उसका फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। अभी हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोविड जो था, पैंडेमिक कितना स्प्रेड हो गया था, तो किस तरह से यहाँ पे यूज किया गया टेक्नोलॉजी को वैक्सीन्स बनाने में, और यहाँ पे है रिसर्च एथिक्स जो हो जाते हैं इससे रिलेटेड। देन यूनिट थ्री कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बेसिकली एक पैसेज दे दिया जाता है और उस दिए हुए टेक्स्ट में से क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जिसकी सबसे पहले आप क्या करो, आप क्वेश्चंस को रीड करो। हाँ जी, आप क्वेश्चंस को रीड करो पहले एंड देन आप पैसेज को रीड करो। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना। तो आपने पैसेज को 2 से 3 बार, अगर फिर भी वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेग फुल सा लग रहा है, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ सकते हैं, सो दैट कि आप प्रॉपर वे से इसमें अटेम्प्ट कर पाए। तो 5 मार्क्स जो है इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, एक तरह से काफी अच्छे नंबर है इसमें। एंड यूनिट फोर्थ जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसको हम संचार बोलते हैं। कम्युनिकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो इसमें मीनिंग है, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो वर्बल नॉन वर्बल कौन सा रहेगा, इंटरकल्चरल कौन सा रहेगा, वेरियस टाइप्स के हैं। अगर क्लासरूम में अगर आपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज इंटरेक्टिव वे में एक तरह से डिलीवर करने हैं अपने लेक्चर्स, तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसमें कम्युनिकेशन किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके अलावा बैरियर्स जो रुकावटें रहती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, उनको ओवरकम कैसे करेंगे। उसके अलावा मास मीडिया एंड सोसाइटी जो बहुत बहुत क्रूशियल रोल अदा करते हैं, क्योंकि एक तरह से जो मीडिया है उसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, तो इनके बारे में भी जो क्वेश्चंस के चांसेस है वो रहेंगे। देन अबाउट द यूनिट फोर्थ, यहाँ पे है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड है यहाँ पे। नॉर्मली इसमें सिंपल टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कोई नंबर सीरीज वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो कोई एक तरह से मिसिंग सीरीज भी हो सकती है, तो इसलिए स्क्वायर्स को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे यहाँ पे। लेटर सीरीज जो है, और कोड्स जो हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, ब्लड रिलेशनशिप्स जो नॉर्मली रीजनिंग में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मीन्स हम कह सकते हैं कि सिंपल जो अरिथमेटिक मैथ होता है उसको इसमें शामिल किया गया। एंड देन सिक्स्थ इज द लॉजिकल रीजनिंग, नाम से है लॉजिक, जहाँ पे तर्क वगैरह जिसमें पूछे जाएंगे और उनको कई बार इवेल्युएट करना है, यहाँ पे उनको फाइंड आउट करना है कि उनके अंदर क्या क्या कुछ एक तरह से मैच नहीं हो रहा है। जो इसमें वेन डायग्राम भी हमें देखने को मिलेंगे, सिंपल एंड मल्टीपल यूज जो है, वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, इंडियन लॉजिक एंड वेरियस इसके अंदर देख सकते हैं हम। इन सबको सीक्वेंस वाइज हम इनको स्टडी करेंगे। देन इज द यूनिट 7th एंड दैट इज द डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको कोई ना कोई डेटा दे दिया जाएगा एंड देन आपने उसको वहां से जो वेरियस क्वेश्चंस होंगे उनको फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे है सोर्सेस, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, लाइक प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो पाई चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जो ग्राफ आपके पास आएगा वो टेबल चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी, मैपिंग करना, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस। एंड देन एट्थ इज द ICT, जिनके पास एक तरह से कंप्यूटर की नॉलेज रहती है उनके लिए ये यूनिट बहुत बहुत आसान रहता है, जिनके पास थोड़ा नहीं है वो भी अगर इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उससे काफी उनके भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इनमें आता है नॉर्मल जनरल एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट तो आज के टाइम में सभी यूज कर रहे हैं, इवन इंटरनेट की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये हो जाएगी इंटरनेशनल नेटवर्किंग, क्योंकि इसमें वर्ल्ड में जितने भी होते हैं एक तरह से नेटवर्किंग जो होती है वो कनेक्टिविटी हो जाती है मेन हम कह सकते हैं इसमें। फिर है इंटरनेट, है ईमेल, हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज हुए थे वो वर्चुअल फॉर्म में हुए थे, तो मतलब ऑनलाइन हुए थे, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रेंट हो गई थी ड्यू टू दिस पैंडेमिक। डिजिटल इनिशिएटिव, क्योंकि डे टू डे हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह से वो एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रही है इवन इन हायर स्टडीज, ICT एंड गवर्नेंस। ओके, देन इज द यूनिट 9, जिसमें हम एनवायरमेंट, मेन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो आपके नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लाइक हम देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल गोल्स, ये सस्टेनेबल गोल्स जो हैं इनका टारगेट 2030 तक दिया गया है, और ये 17 सस्टेनेबल गोल हैं बाय यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, इसके अलावा जो नीति आयोग है वो भी टाइम टू टाइम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है उनकी गोल्स को एक्वायर करने में। एंड इसके बाद है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रीजन बीइंग कि हम पेड़ों का डिस्ट्रक्शन, एक तरह से डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसके कारण नेचुरल कैलामिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा अराइज हो रही है। उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होगी, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, वही मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एनवायरनमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक वो लोकल एरियाज के भी हो सकते हैं, कोई भी हम कह सकते हैं कि लाइक हमने देखा था कि पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेघा पाटकर का था, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पर्संस जिन्होंने टाइम टू टाइम अपना बहुत एक क्रूशियल रोल अदा किया है, लाइक हम इसमें जानेंगे कि नेशनल पार्क जो होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस रहता है, अभी भी मैं बता देती हूँ। देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं यहाँ पे एक बाउंड्री जो होती है वो डिसाइड होती है, और नेशनल पार्क में कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ जो एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज अप टू आ लिमिट एंड विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज वहाँ पे अलाउड होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क में जो एक तरह से यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, और एक होता है जू, जू तो हमें पता ही है, जहाँ पे एनिमल्स को हम जनरली एक तरह से उन्हें केजेस में रखते हैं, तो एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल क्या है, रीजनल मतलब एक क्षेत्रीय टाइप के, और ग्लोबल लेवल के, लाइक ग्लोबल क्लाइमेट, तो टाइम टू टाइम क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और भी काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो इंटरनेशनली लेवल पे होते, काफी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट जो होता है सॉलिड वेस्ट,
या बायोमेडिकल वेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किस तरह से हम उसको डिकम्पोज करें, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड है, बायोकेमिकल हैजर्डियस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हो रहे हैं ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से असर डाल रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है, सोलर, विंड एनर्जी, सोयल, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड जियोथर्मल, अर्थ के गर्म होने से जो बिजली एक तरह से प्रोडक्शन जिसका होता है, बायोमास हो गया, वेस्ट मटेरियल से न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, एंड फॉरेस्ट, इनके बारे में नेचुरल हैजार्ड्स, डिजास्टर मिटिगेशंस एंड सो ऑन। उसके बाद यूनिट 10 जो है, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक तरह से यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उन स्टूडेंट्स को टीच करना है, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस जो हायर लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन पॉलिसी एंशियंट टाइम में कैसी होती थी, प्राचीन काल में जो बच्चे होते थे वो अपने गुरु के पास, गुरुकुल में जाते थे, तो पहले जो सिस्टम होता था वो अलग होता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में अलग हो गया। नॉर्मली हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो थर्ड टाइम, तीसरी बार लेके आए हैं, यहाँ पे हमने मेनली ये कहा है कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो थ्योरिटिकल ना होके वो कैसी हो, वो वोकेशनल टाइप की हो, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो जनरेट कर सके। और इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, उसके रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरह से हो रहा है, ओरिएंटल कन्वेंशनल यानी जो पहले परंपराओं में जो चली आ रही थी एजुकेशन, एंड नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग मेथड्स हैं उन प्रोग्राम्स को हम इंडिया में किस तरह से यहाँ पे देखेंगे, एंड देन प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होती है, स्किल होता है हुनर, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरह से स्किल्ड करें कि वो बेटर वे से अच्छी प्रोडक्टिविटी, और जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे स्लोगन दिया गया है वोकल फॉर लोकल, उसको भी क्या कर सके, प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में। एंड देन वैल्यू एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज के ऊपर एम्फेसाइज करना, इसके साथ साथ एनवायरमेंट की एजुकेशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन चलेगा, इन सब के बारे में। तो जो यूनिट यहाँ पे हमने देखे, 10 यूनिट है, और यहाँ पे हर एक यूनिट से क्वेश्चंस डेफिनेटली अराइज होंगे, 10-10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यूनिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको जल्दी ही स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को। तो ये एक सिलेबस का रिव्यू था, तो थैंक यू सो मच, एंड वेरी सून वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन थैंक यू सो मच टिल वॉचिंग।